और अब बात करते सतना जिले की, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि भाजपा ने पूरे देश को लूट लिया है। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे बेच दिए, नेहरू की कमाई वाली कंपनी को भी बेच दिया और करोड़ों रुपए एकत्रित करके लोगों की खरीद फरोख्त की। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा दिया गया। श्री सिंह मंगलवार को सतना प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समूचे भारत में करीब 8 राज्यों की सरकार खरीद फरोख्त करके आरोप लगाकर भ्रष्टाचार करके आपराधिक मुकदमा लगाकर तोड़ने का काम भाजपा कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा प्रजातंत्र को समाप्त करना चाहती है और संविधान को भी बदलना चाहती है। भाजपा का इस संविधान में विश्वास नहीं है। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना ही प्रजातंत्र रहेगा और ना ही संविधान। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा कभी मशीनों में गड़बड़ी करके, कभी लाठी चलाकर बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीत रही है। ये बात कही कि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सरकार है और तमाम घोटाले हुए, आपने भी कई सवाल उठाए विधानसभा में, सरकार ने जांच का आश्वासन दिया, जांच के नाम पर कुछ लोगों को सस्पेंड किया, स्थिति जो कि त्यों है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी राज कर रही, चुनाव जीत रही। क्या वजह है कि कांग्रेस उसको डिगा नहीं पा रही, हरा नहीं पा रही, और काले भी हो रहे हैं और राज भी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को स्टेशन भेज दिए, हवाई अड्डे भेज दिए, नवरत्न कंपनियां जो नेहरू जी ने बनाई थी, जो प्रॉब्लम में चल रही थी, उनको भेज दिया। अरबों रुपए इकट्ठा करके लोगों की खरीद फरोख करके मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व बनी सरकार को खरीद फरोख करके छोड़ दिया, सरकार गिरा दी और अकेला मध्य प्रदेश समूचे भारतवर्ष में करीब 8 राज्यों की सरकार खरीद फरोख करके, आरोप लगा के, भ्रष्टाचार करके, आपराधिक मुकदमा लगा के, छापे लगवा के तोड़ने का काम कर रही है और प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है। इस संविधान में विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। आगे अगर भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार राज करती रही, बहुमत आ गया संविधान में संशोधन करने का, तो इस देश में न तो प्रजातंत्र रहेगा और न ही ये संविधान रहेगा। ये खरीद फरोख की जो आपने बात कही, तो कांग्रेस के लोग भी गए, तो ऐसी स्थिति में क्या ये लोकतंत्र के लिए जब लोग खतरे की बात कर रहे हैं, ये सब लोगों की जिम्मेदारी है कि क्या वजह है? सवाल इस बात का, जब तानाशाही हो जाए एक बार, कभी मशीनों में गड़बड़ी करके, कभी लाठी के बल पे, कभी जबरदस्ती बूथ कैप्चर करके चुनाव जीते जा रहे हैं। विधानसभा में मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष जी से, कि आपने अभी तक जो सचिन बिरला कांग्रेस का विधायक दल बदल कर खुलेआम आरोप लगाया है और उसको अभी तक क्यों नहीं निकाला? आरोप लगाने के बाद, लेकिन शिकायत के बाद भी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने शरद यादव जी ने पार्टी नहीं छोड़ी थी, जनता दल यू मन विचारधारा के और दूसरे दल की बैठक में सभा में चले गए थे, गठबंधन की सभा थी, उनसे उनको निष्कासित कर दिया प्रधान लोकसभा से, और लोकसभा से निष्कासित करने के बाद और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, सब सुविधाएं छीन ली, राज मध्य प्रदेश में ये क्यों नहीं हो रहा? क्या भारत का संविधान जो